जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझते नहीं और अपने दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं जानती, वो कौम हकीकी तौर पे आजाद नहीं हो सकती। जब तक वो जो अल्लाह से दावा करती है कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, ये दावा होता है आजादी का। और दूसरा कि जब तक एक कौम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे नहीं चलती, उनकी सुन्नत पे नहीं चलती, वो ज़हनी तौर पे आजाद नहीं होती, उसका किरदार ठीक नहीं होता। जब तक वो सीरत नबी पे नहीं चलती, मेरे नबी की सुन्नत पे नहीं चलती, अंदरूनी तौर पे वो कौम आजाद नहीं होती। तो ये मेरा ईमान है।